अलवर की प्याज आरती आज राज्यसभा सांसद ओम माथुर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपकर किसानों के हित में चलाई गई किसान रेलों को निर्धारित समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए आग्रह किया। केंद्र सरकार ने भले ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हों, लेकिन केंद्र सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अब किसान रेल की शुरुआत की गई है। इस रेल का शुभारंभ राजस्थान में अलवर से किया गया। यहां से ट्रेन के माध्यम से अलवर की लाल प्याज असम के गुवाहाटी और बिहार भेजी गई थी। इससे किसानों के चेहरे पर रौनक थी कि एक नया रास्ता उन्हें अपनी फसल के अच्छे दामों पर बेचने का मौका मिला है, लेकिन ट्रेन के अपने निर्धारित समय पर ना पहुंचने के चलते उल्टा किसानों को इससे नुकसान हुआ। आरती पप्पू भाई सैनी ने बताया कि भारत सरकार ने किसानों के हित में किसान रेल का कंसेप्ट शुरू किया था और उसे अलवर में लागू किया गया। अलवर से प्याज भेजी गई थी जो असम के गुवाहाटी में निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाई, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ। उन्होंने ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि रेल मंत्री से बात करें और किसानों के हित में ट्रेनों को निर्धारित समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाएं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने बताया कि अलवर से प्याज लेकर गुवाहाटी गई किसान रेल अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंची थी, जिससे किसानों को नुकसान हुआ। ओम माथुर जी से मिले हैं, क्या समस्या लेकर? ओम माथुर जी आज अलवर आए और हमें ऐसा मौका प्राप्त हुआ कि इन दिनों में हमारे यहाँ से किसान रेल चल रही है जो किसानों का माल लेकर एक स्थान से दूसरे राज्यों के लिए जाती है। भारत सरकार ने इस योजना को इसलिए चलाया कि किसानों के माल के उसके संपूर्ण उपज का अच्छा लाभ मिले। अलवर से हमने किसान ट्रेन का कंसेप्ट जो है वो चालू किया है और उस रेल में हमने यहाँ से माल प्याज भर के गुवाहाटी भेजा है, लेकिन निर्धारित समय पर नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए हमने इसको माननीय माथुर जी से निवेदन किया है कि रेल मंत्रालय से बात करके और जो इसमें देरी होती है उस देरी का समय को रोके और निर्धारित समय पर अगर पहुँचती है तो हमें लाभ मिलेगा। ट्रेन जो देर से पहुँच रही है उस समस्या के लिए आज हमने ज्ञापन दिया। इस संबंध में राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने आश्वासन दिया कि इस मामले में बात करेंगे और आगे कई और भी रास्ते निकालेंगे। माथुर ने कहा कि अलवर से काफी एक्सप्रेस ट्रेन यहां से जाती हैं और उनका प्रयास रहेगा कि हर एक्सप्रेस ट्रेन में अलवर सहित अन्य स्थानों से ताजी सब्जियां भी अन्य जिलों में भेजी जाएं, जिससे किसानों को छोटी फसलों में भी ज्यादा मुनाफा मिल सके। कि आप हर एक्सप्रेस ट्रेन में आधा कोच एसी या एक कोच और जहां आपका स्टॉपेज है, मान लो अलवर है कि जयपुर है कि कहीं और है, जहां स्टॉपेज मत बढ़ाओ आप। हर एक्सप्रेस ट्रेन में भी हमारे किसान का उत्पादन, जो जैसे मान लो दिल्ली जाना है तो राजधानी में अहमदाबाद जाना है तो राजधानी में रखा और सीधा पहुंच गया। ऐसी ट्रेनें हैं खूब पूरे देश भर में, तो वो भी मैं महीने भर में एग्जीक्यूट करा रहा हूँ ताकि आपकी ताजी सब्जियां भी डबल भाव मिलेगा। जो आपका यहाँ अलवर में मान लो 20 रुपये टमाटर जाएगा, दिल्ली जाते हुए 40-50 रुपये हो जाएगा। और मैंने कहा रखने का जुम्मा किसान का, वहाँ से लेने का जुम्मा भी किसान व्यवस्था करेंगे। आप तो हमारी ट्रेन में रखने की व्यवस्था करो, क्योंकि किसान रेल जैसे किसान रेल है, अब प्याज आया तो भर दिया, बाद में क्या है? मान लो सरसों आएगा, रेगुलर छोटा पार्ट मिले तो हम सब चीज बेच सकते। ये तो पूरी ट्रेन है, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा मिले तो हम सब एक दिल्ली से चले मान लो बम्बई तक तो 10 स्टेशन से वो पूरा कोच भर जाए, ऐसा मैं व्यवस्था।